राजस्थान रॉयल्स की धमाकेदार जीत के बाद बदला आईपीएल 2022 का पूरा पॉइंट टेबल। लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम को लगा बड़ा झटका, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीम को मिली बड़ी खुशखबरी। अब ये टीमें पहुंचेगी फाइनल फोर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के मैच नंबर 68 में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 5 विकेट से हराकर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पॉइंट टेबल में बड़े बदलाव कर दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार आईपीएल 2022 के 68वें मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं। साथ ही हम जानेंगे ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और सिक्सर किंग के टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम और आपका फेवरेट प्लेयर आप पर नंबर 1 बने तो दोस्तों, आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 150 रनों की शानदार पारी खेली और इसी लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मात्र 19.4 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाकर 5 विकेट की बढ़त से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। और इसी जीत के बाद अब आईपीएल 2022 का पूरा पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुका है। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर पॉइंट टेबल के बारे में, आखिरकार कौन सी टीम टॉप 4 में शामिल हुई, यानी कि प्लेऑफ की टीमों के और कौन सी टीमें प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर हुई है। तो यहाँ पर आखिरी पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, जिन्होंने अब तक 13 मुकाबले के लिए 3 मुकाबले जीते, 10 मुकाबले हारे। इनकी नेट रन रेट है -0.577 और 6 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम आखिरी पायदान यानी कि नंबर 10 पर मौजूद है। तो वहीं नंबर 9 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है, जिन्होंने 14 मुकाबले के लिए 4 मुकाबले जीते, 10 मुकाबले हारे। इनकी नेट रन रेट है -0.203 और 8 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 9 पर मौजूद है। और यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। वहीं नंबर 8 पर सनराइज हैदराबाद की टीम मौजूद है, जिन्होंने अब तक 13 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है +0.230 और 12 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 8 पर मौजूद है। वैसे तो ये टीम प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई है, लेकिन ये टीम प्लेऑफ में भी अपनी जगह नहीं बना सकती, क्योंकि इस टीम के पास कम पॉइंट होने की वजह से ये टीम अगर अपना अंतिम मुकाबला जीत भी जाती है फिर भी ये टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकती है। वहीं नंबर 7 पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, जिन्होंने अब तक 13 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे। इनकी नेट रन रेट है +0.043 और 12 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 7 पर बनी हुई है। अपना अंतिम मुकाबला ये टीम अगर जीत भी जाती है फिर भी ये टीम प्लेऑफ में नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि इस टीम के पास भी अपने कम पॉइंट होने की वजह से ये टीम प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना सकती है। वहीं नंबर 6 पर मौजूद है यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिन्होंने 14 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 8 मुकाबले हारे। इनकी नेट रन रेट है +0.146 और 12 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 6 पर बनी हुई है और ये टीम भी प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। वहीं पर नंबर 5 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है, जिन्होंने अब तक 13 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है +0.255 और 14 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 5 पर बनी हुई है। यानी कि ये टीम अगर अपना अंतिम मुकाबला जीती है तो ये टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है, क्योंकि इस टीम के पास अच्छे खासे पॉइंट भी, और अगर ये टीम जीत जाती है तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहाँ से प्लेऑफ से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जगह पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहुंच जाएगी। वहीं नंबर 4 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है, जिन्होंने अब तक 14 मुकाबले खेले, 8 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है -0.553 और 16 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 4 पर बनी हुई है। ये टीम प्लेऑफ में वैसे तो अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीती है तो ये टीम यहाँ से प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। वहीं नंबर 3 पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है, जिन्होंने अब तक 14 मुकाबले खेले, 9 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे और इनकी नेट रन रेट है +0.251 और 18 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 3 पर बनी हुई है। ये टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी है। वहीं नंबर 2 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम पहुंच चुकी है, जिन्होंने अब तक
14 मुकाबले खेले, 9 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे और इनकी नेट 100 है प्लस 0.298 और 16 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 2 पर बनी हुई है। इस टीम ने भी प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली और फिलहाल पॉइंट टेबल में ये टीम नंबर 2 पर भी पहुंच चुकी है। वहीं नंबर 1 गुजरात टाइटेंस की टीम चल रही है, जिन्होंने अब तक 14 मुकाबले खेले, 10 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे और इनकी नेट 100 है प्लस 0.316 और 20 अंकों के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 1 पर चल रही है। यानी कि यहाँ पर नंबर 1 टीम है गुजरात टाइटेंस और नंबर 2 पर राजस्थान रॉयल्स की टीमें मौजूद है। वहीं नंबर 3 पर लखनऊ सुपर जेंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की जगह दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी जगह ले सकती है। वहीं प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है यहाँ पर मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइज हैदराबाद, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। वही दोस्तों हम बात करें यहाँ पर पर्पल कैप की रेस की, तो पर्पल कैप की रेस में फिलहाल नंबर 1 युजवेंद्र चहल चल रहे हैं जिनके 26 विकेट है, तो नंबर 2 पर पनिंद हसरंगा इनके 24 विकेट है, नंबर 3 पर कगिसो रबाड़ा इनके 22 विकेट है, तो वहीं नंबर 4 पर उमरान मलिक इनके 21 विकेट है, वहीं नंबर 5 पर मौजूद है कुलदीप यादव इनके 20 विकेट है। वहीं पर सिक्सर किंग की रेस में फिलहाल नंबर 1 जोस बटलर चल रहे हैं जिनके 37 छक्के हैं, नंबर 2 पर आंद्रे रसल इनके 32 छक्के हैं, वहीं नंबर 3 पर लियाम लिविंगस्टन इनके 29 छक्के हैं, तो नंबर 4 पर केएल राहुल इनके 25 छक्के हैं, वहीं नंबर 5 पर क्विंटन डिकॉक इनके 22 छक्के हैं। वहीं पर ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल नंबर 1 जोस बटलर चल रहे हैं जिनके 629 रन है, तो वहीं नंबर 2 पर केएल राहुल जिनके 537 रन है, नंबर 3 पर क्विंटन डिकॉक जिनके 502 रन है, तो नंबर 4 पर फाफ डुप्लेसिस जिनके 443 रन है, वहीं नंबर 5 पर डेविड वार्नर मौजूद है जिनके 427 रन है। यानी कि ऑरेंज कैप जोस बटलर के सर पर, तो पर्पल कैप पनिंद हसरंगा के सर पर वहीं पर प्लेऑफ में पहुंच चुकी है यहाँ पर गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जेंट्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर यहाँ पर नंबर 1 बन पाएगा, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।